हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप देख पाएंगे कॉलेज गोइंग गर्ल की फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग। सो ये रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम पहले मेरे चैनल पर थी, लेकिन आज की वीडियो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर बन रही है। सो गाइज, और भी आपकी जो रिक्वेस्टेड वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर आप देख पाएंगे, बट वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वीडियो मैं पूरी कोशिश करूँगी उन पर बनाने की। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो ऊपर से थ्रेडिंग के हेयर हटाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और सीजर की हेल्प से मैंने दोनों थ्रेडिंग के एक्स्ट्रा जो हेयर्स है वो कट कर दिए हैं। सो आपको दिखाना मैं स्किप दिखाने में आपको स्किप कर दिया है, सो प्लीज़ माइंड मत करना आप इस बात को। अब मैंने ऊपर नीचे से दोनों तरफ से थ्रेडिंग को स्ट्रेच करा के पकड़वाया हुआ है। सो फर्स्ट टाइम इनकी थ्रेडिंग बन रही है, तो इनको बहुत ही कम आइडिया है कि किस तरह से थ्रेडिंग को पकड़ना है। सो अब मैंने इनको ठीक से पकड़वाया है, और उसके बाद मैं नीचे से थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सो गाइस, स्टूडेंट जो थ्रेडिंग बनती है तो उसमें ज़्यादा शेप आप ना दें, केवल एक्स्ट्रा हेयर से ऊपर नीचे के थ्रेडिंग से हटा के उनको क्लीन की जाती है। ज़्यादा शेप देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा शेप देंगे तो थ्रेडिंग का लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा दिखने में। बट गाइस, कॉलेज गोइंग गर्ल लड़की या स्कूल गोइंग गर्ल लड़की की जो थ्रेडिंग बनती है तो एक्स्ट्रा हेयर से उनके थ्रेडिंग के अंदर से हटाए जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर्स हटाते हुए थ्रेडिंग की जो शेप है केवल उस शेप को ही क्लियर कर रही हूँ। और गाइस, एक तरफ की थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद मैं अब ऊपर से थ्रेडिंग दूसरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पोजीशन मेरी पीछे की ओर जा चुकी है, और यहाँ से मैं एक्स्ट्रा हेयर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद ऊपर नीचे से अच्छे से स्ट्रेच कराने के बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो हमें हटानी है। सो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है इससे भी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो पे आप लाइक कर ही दिया करें। सो गाइस, यहाँ पर नीचे की जो थ्रेडिंग है उसके अंदर एक्स्ट्रा हेयर्स हटाते हुए और बहुत ही हल्के हाथों से मैं थ्रेडिंग को बना रही हूँ, और थ्रेडिंग के हेयर्स मैं बहुत ही कम से कम अपनी थ्रेड के अंदर ले रही हूँ, यानी कि दो या तीन हेयर्स ही थ्रेड के अंदर निकल रहे हैं, ताकि हल्के हाथों से थ्रेडिंग बनेगी तो बनवाने वाले को जो पेन है बहुत ही कम होगा। सो गाइस, इसके बाद मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर क्रीम ली है और दोनों थ्रेडिंग पर अच्छे से उस क्रीम से मसाज की है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब थ्रेडिंग बनती है तो स्वेलिंग आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप एलोवेरा जेल या कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम की अगर मसाज कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए तो स्वेलिंग आने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो आज की ये थ्रेडिंग वीडियो कंप्लीट होती है, और भी आपकी कोई थ्रेडिंग से रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। सो आज की थ्रेडिंग कंप्लीट होती है। ये है आज की फर्स्ट टाइम कॉलेज गोइंग गर्ल की थ्रेडिंग। सो आपकी रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे थी, तो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं।